बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो डेली ग्रुप्स में सिग्नल दिए जाते हैं उनकी जरा परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहा, कितने सिग्नल दिए। टोटल 10 सिग्नल दिए थे ये उनके, आप देख सकते हैं। अच्छा, इनका मैं सबसे ऊपर चला जाता हूँ पहले सिग्नल की तरफ, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जिसमें सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन ये जी सबसे पहला सिग्नल आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला गोल्ड सेल करवाया था 1658 1661 से, आपके सामने आना है। तो ये आप खुद देख लें कि ये जहाँ से सेल किया कितना रनिंग में गया TP1, और ये गया गोल्ड तकरीबन 1620 के ऊपर। तो कितनी अच्छी प्रॉफिट बन सकते जो लॉन्ग टर्म, लेकिन वेरी स्कैल्पिंग सिग्नल होते हैं। ये भी बहुत अच्छा सिग्नल रहा है, प्रॉफिट में रहा ये ट्रेड रनिंग इन प्रॉफिट। उसके बाद सिग्नल नंबर 2 फिर दिया सेल का, ये दिया 1670 और 1674 से। ये मार्केट 1668 से वापस आ गई, TP1 TP2, इसका बीट हुआ। ये भी गोल्ड हमने सेल किया इसी वीक की बात है ये। अच्छा, इसके बाद फिर सिग्नल जब ये हिट हो चुका 2, फिर 3 सिग्नल नंबर 3 दिया 1650 और 1644 से बाई करवाया TP1 TP2, इसका भी इसका TP1 हिट हुआ था। ये नीचे आपको नजर है, ये देख रहे हैं रनिंग इन प्रॉफिट 30 pips की टाइम, फिर थर्ड टाइम, ये 3-4 टाइम ना प्रॉफिट में गई ट्रेड। और ये देखें TP1 नियर टू हिट 70 pips, ये सिग्नल नंबर 3 है। नेक्स्ट भी आ जाते सिग्नल नंबर 4 की, ये एक हफ्ते में एक सिग्नल है। सिग्नल नंबर 4 फिर वही 50-54 से बाई करवाया मैंने, ठीक है। तो इस बार ये प्रॉफिट में गया, जैसे कि आपके पास स्क्रीन शॉट भी सामने है। उसके बाद भी ये फिर 10 pips, फिर SL फिर मैंने ऊपर करवा दिया था जब अच्छा खासा प्रॉफिट आया ना। ये देखिए 20 pips प्रॉफिट में चल रहा है, SL ऊपर करवा दी, ये भी अच्छा खासा सिग्नल प्रॉफिट में दे गया। ये फिर 30 pips, यही सिग्नल 30 pips में प्रॉफिट में आया। इसके अलावा बाद फिर मैं सिग्नल नंबर बाय दिया 5, उसके बाद मार्केट डाउन आ गई, फिर मैंने 40 से और 36 से बाय करवाया सिग्नल नंबर 5, देख रहे हैं। वही देखें ये फिर 60 pips प्रॉफिट में गया, 40 pips, 60 pips एंड 60 pips ये सिग्नल ने दिए। फिर सिग्नल नंबर 6 की बारी आ गई, ये फिर मैंने वहीं से 40 से 36 से बाई करवाया, दोबारा मार्केट डाउन आ गई तो अगेन बाई करा। अच्छा, ये 15 pips ये भी प्रॉफिट में गया, बटर ये सिग्नल प्रॉफिट में गया, उसके बाद ट्रेड लॉस में यार SL हिट हो गया। मैंने इसके SL अकाउंट कर दी, नेक्स्ट मार्केट डाउन आ गई, फिर हमने 1630 और 1625 से बाई किया, और ये इसने बार बार प्रॉफिट दिया बहुत अच्छा। सिग्नल नंबर 7 आपके सामने चल रहा है, ये देखें 35 pips रनिंग इन प्रॉफिट है, आपके सामने लिखा हुआ है ये चीज़। ये भी 35 pips ये लें, TP1 हिट, TP2 भी हिट। ये सिग्नल नंबर 7 जो था बाय करवाया था, TP1 TP2 दोनों हिट हुए। ये सिग्नल नंबर 8 आके सेल करवाया 44 से 48 से 36, ये वो इस पर भी ऊपर TP1 TP2 हिट हुआ। ये कल है, नीचे से मार्केट बाय का सिग्नल नहीं दिया, लेकिन मैं था बाय पे 1620 के एरिया से। ये देखिए चाल से, तो ये TP1 हिट। उसके बाद सिग्नल नंबर 9 की बारी आ जाती है, ये सिग्नल नंबर 9 आपके सामने, ये सेल करवाया 44 से 48 से। जब सेकेंड टाइम लास्ट टाइम सेल कर, ये 40 pip ये ट्रेड प्रॉफिट में आई, उसके बाद एंड पे इसका SL हिट हुआ। उसके बाद एक ट्रेड खुद दी थी URJPY की, बाय करवाया था 4800 से, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह नो प्रॉफिट लॉस में क्लोज की। बर कुछ लोग ऊपर से बाय कर चुके थे, उनको थोड़ा बहुत लॉस हुआ, तो उसका भी उन्हें SL काउंट कीजिए। सिग्नल नंबर 1 परफॉर्मेंस शो करवाइया वीकली, एवरी वीक रिजल्ट शो करवाया जाता है। अगर आपने वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको सिग्नल चाहिए तो आप कमेंट में अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ कमेंट में, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिजल्ट की परफॉर्मेंस है, एवरी वीक मेरा जो टारगेट होता है वो 400 पिप होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी वीक मेरा टारगेट अचीव होता है। तो कोई जो बात ना समझ आए तो आपने कमेंट में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और नेक्स्ट वीक होगा मंडे से स्टार्टिंग है, फिर मंडे से सिग्नल 1 से शुरू होंगे, फिर जितने भी सिग्नल बनेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो। इसके अलावा जो गोल्ड के अलावा जो करेंसी पेयर है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, उनके ऊपर ट्रेड अच्छी दी जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।